हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्लीव्स डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, स्लीव्स का पैटर्न मैंने यहाँ पर कट किया हुआ है और ये बड़ी स्लीव्स है। तो स्लीव्स की जो लंबाई है वो 11.5 इंच कट की है, आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई ले सकते हैं। ये बॉर्डर को हम नीचे की तरफ लगाएंगे और इससे हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो ये दोनों फैब्रिक अभी हम साइड में रख लेते हैं और स्लीव्स का यहाँ पर डिज़ाइन के लिए पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देना है और नीचे से 1 इंच छोड़ देना है। तो इतना आपको यहाँ पर मार्जिन छोड़ देना है, या ऊपर से भी 1 इंच और नीचे से भी 1 इंच छोड़ते हुए आप मार्किंग कर लें। और इसके बाद इंच टेप को डबल फोल्ड करें इन मार्किंग के बीच में और फिर एक बार फिर से फोल्ड करें। तो देखिए, ये जो पैटर्न हमारा बना है ये 2.25 इंच पर आ रहा है, 2.25 इंच पर। तो इस तरीके से हम 2.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, मार्किंग हमने कर ली है और ये जो 2.25 इंच पर हमने मार्किंग की है इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच का पार्ट हमें लेना है इस तरीके से, ये सेंटर मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से सेंटर मार्किंग कर लेनी है और ये जो सेंटर वाली मार्किंग की है इसे हमें विड्थ में बढ़ा लेना है और विड्थ में इसे रख लेना है हमें 1 इंच। देखिए इस तरीके से, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब आपको इस तरीके से यहाँ पर शेप बना लेना है। शेप हमने इस तरीके से बना लिया है और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये मैंने बुकरम लिया है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और सेम इस तरीके से हमने जो स्लीव्स के पैटर्न पे मार्किंग की है वही मार्किंग हम यहाँ पर बुकरम पे करेंगे। बुकरम लगाने से फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने अस्तर वाले फैब्रिक पर मार्किंग की है, सेम मार्किंग हमें इस पर भी कर लेनी है 2.25 इंच पर। ये देखिए इस तरीके से। अब 2.25 इंच के बीच का पार्ट लेना है हमें इस तरीके से, यहाँ पर सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्किंग को विड्थ में 1 इंच बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब मार्किंग को आपको सीधा कर लेना है। और इसे शेप दे देना है इस तरीके से। तो देखिए, हमने यहाँ पर शेप बना लिया है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए, पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और बीच में से डिज़ाइन को अच्छे से शेप देते हुए आप फिनिशिंग के साथ कट करें। बीच में से डिज़ाइन को हम कट कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर अटैच कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर इसे पहले रफ स्टिच कर लेना है बीच में से, क्योंकि मैंने यहाँ पर बुकरम का यूज़ किया है। अगर आपके पास चिपकाने वाला पेस्टिंग होता है तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसे चिपका सकते हैं प्रेस से। ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। सिर्फ हमें जितना फोल्ड रखना है उतना ही फैब्रिक हम यहाँ पर रखेंगे। अब हम इसे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखिए, जो हमारा पैटर्न है उसके कॉर्नर पर आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने लगा ली है, अब साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के साथ।
ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स का पैटर्न तैयार करेंगे। तो स्लीव्स को आपको इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर सीधा रखना है और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम इस तरफ करके लगाएंगे, फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और सेंटर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर मार्किंग करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करके सेंटर में इसे सीधा कर लें। ये हमारी सेंटर मार्किंग हो गई है और अब हम इस पैटर्न को इसके ऊपर रख लेंगे। नीचे से 1 इंच पर मार्क कर लें और इस तरीके से रख लें। सेंटर में हम रफ स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारा जो पैटर्न बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा लेंगे। अब ध्यान रहे ये वाली जो सिलाई हम लगा रहे हैं वो पेस्टिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगानी है आपको। तो देखिए हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। बीच का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसे इस तरीके से कट कर लें। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आपको इसे कट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा ही कट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जो स्लीव्स का पैटर्न है हमारा उस पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। पूरी ही स्लीव्स पे आपको कट लगा लेने हैं और जो कॉर्नर्स है उस पर अच्छे से कट लगाएं। अब देखिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। ये देखिए इस तरीके से आपको अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है। कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसके कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लें। दोनों तरफ के कॉर्नर्स आपको इसी तरीके से निकाल लेने हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर कॉर्नर्स निकाल लिए हैं, फिनिशिंग कर ली है और अब एक सिलाई हम फिनिशिंग की लगा लेंगे स्लीव्स के ऊपर। तो इस तरीके से लगानी है आपको सिलाई। पूरे ही पैटर्न पे आपको इसी तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ इसे रेडी कर लिया है और अब हमें इसमें लगाने के लिए फ्लावर तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है, उसे देखिए 1/2 इंच का छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगाकर इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है, अब इस पट्टी को आप पलट लीजिए। इसका जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया है। इस पट्टी से हम बनाएंगे फ्लावर। आगे की तरफ आप सुई से इसे खींचेंगे तो आपकी डोरी जो है वो पलट जाएगी। पलट लिया है मैंने इसे और 4.5 इंच लेंथ में इसे कट भी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, एक तरफ से सुई में धागा डालना है, इसे पक्का कर लेना है और देखिए इस तरीके से रफ स्टिच कर लेनी है सुई धागे से आपको।
स्टिच करने के बाद आपको धागे को अच्छे से खींच लेना है। देखिए इस तरीके से खींचने के बाद दोनों जॉइंट को पकड़ते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसे स्टिच कर देना है। जो जॉइंट वाला पार्ट है हमारा उसे अंदर की तरफ अच्छे से करके स्टिच कर लेंगे तो ये फ्लावर यहाँ पर बन जाएगा, ये देखिए। और इसे अच्छे से आप पक्का कर लें और दोनों फ्लावर इसी तरीके से तैयार करेंगे हम। ये देखिए मैंने एक फ्लावर रेडी कर लिया है और दो और तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से तीन फ्लावर हम यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए नीचे फ्रिल बनाने के लिए मैंने बॉर्डर का फैब्रिक लिया है, आप भी चाहे तो कोई भी कंट्रास्ट में फैब्रिक ले सकते हैं आप। तो देखिए इस तरीके से हम इसे बारीक फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक हमें यहाँ पर फोल्ड करना है इसे। और ये देखिए मैं इसके कॉर्नर पर यहाँ पर लेस का यूज़ कर रही हूँ, लेस लगा रही हूँ, तो अगर आप चाहे तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर पीको करना चाहें तो पीको भी कर सकते हैं, तो ये लेस ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो बॉर्डर को सिंपल भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब हमें यहाँ पर बॉक्स प्लेट्स डालनी है। मैं यहाँ पर सिंपल प्लेट्स नहीं ले रही हूँ, मैं बॉक्स प्लेट्स ले रही हूँ यहाँ पर इस तरीके से। एक एक इंच की प्लेट्स मैंने यहाँ पर ली है, एक प्लेट्स मैंने अपनी तरफ ली है इस तरीके से, तो इसे बॉक्स प्लेट्स कहते हैं। और ये जो हम फ्रिल बनाकर नीचे लगाएंगे तो इसका जो स्लीव्स का लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे तैयार कर लिया है और अब हम इसे नीचे की तरफ से अटैच करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको इसे रखना है और स्लीव्स पर इसे अटैच कर लेना है। इस ये जो मैंने स्लीव्स बनाई हैं इसका मैंने ब्लाउज़ का पैटर्न भी तैयार किया है, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। उसी ब्लाउज़ का बैक पैटर्न की स्लीव्स मैंने तैयार की है। ये देखिए फ्लावर इस तरीके से आ जाएंगे। और अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ मैं लेस लगा रही हूँ, यही वाली लेस मैंने ब्लाउज़ पे भी इसके बैक पैटर्न पे भी लगाई थी, तो दो लेयर हम यहाँ पर इसे लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक तरफ लगा ली है मैंने लेस, एक तरफ और लगा लेंगे इस तरीके से। लेस लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम लगाएंगे यहाँ पर फ्लावर। फ्लावर के अंदर आपको एक मोती लगा लेना है यहाँ पर, और अगर आप चाहें तो कोई स्टोन भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर पहले इसे स्टिच करना है, उसके बाद फ्लावर को अटैच करना है। सुई को अंदर बाहर करते हुए अच्छे से आप इसे टक कर लें और एक यहाँ पर मोती लगा लें, तो इससे फ्लावर का जो लुक है वो और भी अच्छा आएगा। ये देखिए फ्लावर हमने टक कर लिया है और ये स्लीव्स बनके हमारी रेडी हो गई है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हम यहाँ पर गहराई भी कर देंगे इस तरीके से, हाफ इंच की गहराई मैंने दी है यहाँ पर। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।